सच है कि खुद को एनसीआर में कहने वाला माँ ओमवती कॉलेज की न्यू दिल्ली से दूरी 100 किलोमीटर है और एयरपोर्ट से 110 किलोमीटर है। आंकड़ों की माने तो एमएससीज भी यहाँ 10 से 12 हजार रुपए महीने के हिसाब से बच्चों को जॉब देती है। और अगर हमें सोर्सेज से मिले ये ऑफर लेटर सही है तो आखिर क्यों कॉलेज इतनी कम सैलरी पे जॉब दिलवा के अपनी तारीफ बटोरता है। आज हम बात करेंगे माँ ओमवती कॉलेज की और जानेंगे इस कॉलेज के कोर्सेज, फीस, फैकल्टी, प्लेसमेंट्स, फैसिलिटीज और कॉलेज की पूरी इनसाइड स्टोरी। जानेंगे इस कॉलेज में एडमिशन ले या नहीं। हेलो दोस्तों, मैं सिमरन कॉलेजेस 18 की तरफ से आज फिर लेके आई हूँ एक नया वीडियो आप सबके लिए, जिसमें आज हम बात करेंगे माँ ओमवती कॉलेज के बारे में। जी हाँ, माँ ओमवती कॉलेज की शुरुआत 2008 में हुई थी। मेजर कोर्सेज कॉलेज के पास 2010 में ही आ गए थे। तब से कॉलेज ने अपने एरिया में एक अच्छा नाम बना लिया है और ओनर जेबी गोयल सहन है, जो कि मशहूर कंपनी ओमेक्स के भी कर्ता धरता है। और यही इस कॉलेज की सबसे जबरदस्त बात है कि इतने बड़े बिल्डर का ये कॉलेज है, जो कि एक सम्मानित हस्ती है, काफी सारे अवार्ड से नवाजा जा चुका है। कॉलेज के डायरेक्टर एके सिंह जी हैं और हाल ही में जेबी नॉलेज पार्क कॉलेज से आई मनीषा सक्सेना जी यहाँ पे मैनेजमेंट कोर्सेज की डायरेक्टर है। इसके लोकेशन की बात करें तो कॉलेज की लोकेशन हसनपुर, जो कि पलमल के पास है, वहां पे पड़ता है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली से 110 किलोमीटर और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। आसपास के बच्चों का आना जाना यहाँ पे बहुत कन्वीनियंट है। ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। कैंपस इंफ्रा काफी अच्छा है, जंगल को मंगल बनाता है और फीस के हिसाब से सुविधाएं काफी अच्छी मालूम पड़ती हैं। टीचर्स की बात करें तो यहाँ कोई भी कमी हमें नजर नहीं आती। लिस्ट ऑफ फैकल्टी लंबी है, स्नैपशॉट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बच्चे क्लास में अटेंटिव कमी होते हैं, पर टीचर्स की कोई शिकायत देखने को हमें यहाँ पे नहीं मिली। कोर्सेज की लिस्ट काफी लंबी है, बीए से लेकर एमए, बीबीए, एमबीए, एमएड, जो भी कोर्स एक डिग्री कॉलेज में होते हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। फीस स्ट्रक्चर भी नॉमिनल है, 30 से 50 हजार तक की सालाना फीस है और इसमें स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। कोर्सेस स्कॉलरशिप या फीस की जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप इनबॉक्स या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर कॉलेजेस 18 के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स के मामले में कॉलेज ठीक ठाक है। फेस्ट इवेंट्स में कॉलेज अभी काफी हल्का है। प्लेसमेंट्स में जो सैलरी है वो काफी कम है। कॉलेज से अनुरोध करते हैं कि थोड़ा बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाए, ताकि पैकेजेस एक प्रोफेशनल वाले मिले, ना कि 12वीं पास वाले। अब बात करते हैं किन टाइप के बच्चों को यहाँ एडमिशन लेना चाहिए और किन को इस कॉलेज से दूर ही रहना चाहिए। यदि आप आसपास का कॉलेज देख रहे हैं, डेली अप डाउन कर सकते हैं, तो ये कॉलेज आपको काफी सूट करता है। यदि आप दूर हैं, तो एक बार कॉलेज विजिट कर लीजिए, आखिर 3 साल का सवाल है। हॉस्टल जरूर देख लें, आसपास की फैसिलिटीज भी देख लें, फिर ही एडमिशन लें। बाकी माँ ओमवती कॉलेज में किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए कॉलेज के